हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों के साथ वायरल टोमेटो सूप की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो सच में बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही हेल्दी भी है। मुझे ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई, इसीलिए मैं ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसे बनाने के लिए हमें बिल्कुल लाल लाल वाली टमाटर चाहिए। यहाँ पे मैंने टोटल 4 टमाटर लिए हैं। टमाटर को अच्छे से धो लेंगे और उसे 2 हिस्सों में काट लेंगे। अब एक कढ़ाई लेंगे, इसमें 1 छोटी चम्मच घी या फिर बटर को गर्म करेंगे और उसमें 1 छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे। जो टमाटर को काट के रखे हुए हैं उसे डालेंगे और इसे 2 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकाएंगे। तो ये ध्यान रखना है कि आपको धीमी आंच पर पकाना है। 2 मिनट इसे अच्छे से पकाने के बाद इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स के लिए यहाँ पे 4 से 5 अखरोट और 5 काजू लिया गया है। बस इतना ही ड्राई फ्रूट्स इसमें डाला गया है। इसके साथ ही हम थोड़ा सा 1/4 छोटी चम्मच के करीब मिर्ची पाउडर डाल देंगे। यदि तीखा है मिर्ची पाउडर आपका तो इससे भी कम डालिएगा। 1 छोटी चम्मच इसमें हम गुड़ का पाउडर, या फिर आपके पास गुड़ का पाउडर नहीं है तो छोटा सा बिल्कुल गुड़ का टुकड़ा डाल देंगे। आधी छोटी चम्मच हम नमक डाल देंगे। 2 चुटकी यहाँ पे हम अदरक का पाउडर डाल देंगे या फिर छोटा सा अदरक का टुकड़ा कद्दूकस करके डाल देंगे। अब इन सभी को हम धीमी आंच पर 3 से 4 मिनट के लिए फिर अच्छे से पकाएंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स पानी डालने की कोई भी जरूरत नहीं है। धीरे धीरे जैसे ही हमारा टमाटर गलता जाएगा आपको पानी की नीड पड़ेगी ही नहीं। जो नीचे हल्का सा जल रहा है उसे हल्का सा लगने दीजिए, उससे आपको स्मोकी फ्लेवर आएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको धीमी आंच पे पकाना है। जो हमने दालचीनी का टुकड़ा डाला था उसे निकाल देंगे और हल्का सा ठंडा करके इसे बिना पानी डाले ही हमें इसका बिल्कुल बारीक पेस्ट तैयार करना है। तो ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है। अच्छे से पीसने के बाद अब हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे और इसे 1 बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे साइड रखेंगे। बहुत ही यूनिक तरीके से, बहुत ही हेल्दी भी ये सूप बन के तैयार होती है। अब फिर से मैंने उसी वाले कढ़ाई में 1/2 छोटी चम्मच बटर को गर्म कर लिया है। अब बटर या घी कुछ भी ले सकते हैं। थोड़ा सा बिल्कुल कश्मीरी मिर्च का पाउडर डालेंगे हल्का सा कलर आने के लिए। आपके पास अगर नहीं है तो उसे मत डालिएगा। चिली पाउडर यहाँ पे भूल के भी मत डालिएगा, वरना बहुत तीखा हो जाएगा। अब जो हमने टमाटर का जो पेस्ट तैयार करके रखा है उसे अच्छे से डाल के छन्नी से हम छान लेंगे। अब इसी में हम 1 कप और पानी डालेंगे और अच्छे से हम इसे भी छान लेंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को यदि मेरी यह रेसिपी पसंद आएगी तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना, इसे सब्सक्राइब कर देना और अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ना। अब इसमें 1/2 छोटी चम्मच के करीब हम काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। साथ ही 1 बड़ी चम्मच हम टोमेटो सॉस डाल देंगे और इसे 1 बार अच्छे से मिलाएंगे और इसे 1 उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही इसमें एक अच्छा सा उबाल आ जाएगा हम आंच को बिल्कुल धीमी कर देंगे और उसे धीमी आंच पर 5 से 7 मिनट पकाएंगे। इसमें फ्रेंड्स कोई भी थिकनेस के लिए हमें अरारोट का घोल या फिर कॉर्नफ्लावर का घोल डालना नहीं है, बस ये इसी तरह से तैयार हो जाता है। मैंने जब ये वायरल सूप तैयार किया मुझे बहुत ही पसंद आया, मैं इसीलिए ये रेसिपी आप लोग के साथ शेयर भी कर रही हूँ। जो हमने यहाँ पे फिर से दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया था उसे अब हम निकाल देंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स लीजिए, हमारा जो है ये टोमेटो सूप बन के तैयार है। ये इसमें ड्राई फ्रूट्स डला हुआ है, अखरोट और काजू, जिसके वजह से इसमें एक अलग ही क्रीमीनेस आता है और बहुत ही हेल्दी भी है। आप इस तरह से ज़रूर बनाइएगा और आप सभी प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा। अब इसके लिए हम क्रिस्पी तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 ब्रेड लिया, उसके छोटे छोटे स्क्वायर टुकड़े में कर लिया है और उसे बिल्कुल पैन में हल्का सा बटर लगा के दोनों तरफ से करारा होने तक सेक लेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये हमारा जो है क्रिस्प भी बन के बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अब इसे हम सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए हमने जो है सूप को बाउल में डाल दिया है। अब इसके ऊपर हम मलाई डालेंगे। आपके पास अगर क्रीम है तो वो भी डालिए, मैं घर की ही मलाई डाल रही हूँ। मलाई को मैंने अच्छे से फेंट लिया है और उसे डालूंगी। साथ ही जो हमने यहाँ पे ब्रेड का क्रिस्प तैयार किया है उसे भी डालूंगी। तो इस तरह से हमारा ये बहुत ही टेस्टी हेल्दी हमारा वॉलनट टोमेटो सूप जो है बन के तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।